दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और पूर्व सांसद शबाना आजमी के एक बयान ने राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, आप सभी जानते होंगे शबाना आजमी, जो कि अपने बेबाक बोल से पहचानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल हमारे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर हम कुछ भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। और ये किसी एक के साथ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं भी सोशल साइट पे चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, आप अब देख लीजिए फेस टू फेस भी किसी इंसान के सामने या कहीं भी अगर मोदी सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोल देते हैं आप, तो आपको यही कहते हैं कि ये देश द्रोही है। तो ऐसी बातों को लेकर के शबाना आजमी ने मोदी सरकार के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये बयान दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, शबाना आजमी को इंदौर में एक अवार्ड को देने के लिए बुलाया गया था, जहां पे उनको दो बोल बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने जो बोल बोले हैं वाकई वो काबिले तारीफ है, क्योंकि आज का माहौल हमारे देश में कुछ इसी तरह का बना हुआ है। अगर आप मोदी सरकार की आलोचना करेंगे तो आप देशद्रोही ठहरा दिए जाएंगे। आज ऐसा माहौल हमारे देश का बन चुका है। दोस्तों, अगर आप ऐसी जो हमारे देश का माहौल है और अगर आप शबाना आजमी का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, शबाना आजमी ने सरकार के ऊपर सीधे जो है हमला किया है। उन्होंने कहा है सत्ताधारियों को बौखलाना भी लाजमी है। शबाना पर उल्टा आरोप लगा कि सरकार की आलोचना तो ठीक है, लेकिन वो मतलब जो है देश की मालामाल सही नहीं है, यानी कि मलामत सही नहीं, ऐसा कुछ कहा है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देश की मलामत तो वाकई सही नहीं है, क्योंकि आप सभी पता है जिस तरह से हमारे देश का आज माहौल, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हुए हैं। और वही जो है राजनीति की बात करें तो अगर मोदी सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं सीधे आपको बता दिया जाता है कि ये पाकिस्तान चला जाए, यानी कि ऐसा लगता है कि उनका वीजा पाकिस्तान के लिए रखा ही है एडवांस में, आप ले लीजिए चले जाइए, यानी कि हम सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई भी आलोचना नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पर अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।